अब खबर सीकर के फतेहपुर से है, जहां सदर थाना पुलिस ने मारडाडू चौराहे के पास अवैध शराब पर कार्रवाई की। पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब के करीब 920 कार्टून जब्त किए। शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई। डीएसपी कुशाल सिंह ने बताया कि सदर थाना प्रभारी आलोक पूनिया ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक की तलाशी ली थी। इसमें चावल के कट्टों के नीचे अवैध शराब छुपाई गई। इस पर पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए चालक हरियाणा निवासी अनिल जाट को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। इलाके के अंदर एसएचओ को जरिए मुखबिर खास इतला प्राप्त हुई थी कि सालासर रोड पर एक ट्रक है जो कि 18 चक्का ट्रोला है पंजाब नंबर का, और उसके अंदर इसके चावल की भूसी के कट्टे भरे हुए हैं और उसके बीच में अवैध रूप से शराब का परिवहन करके गुजरात ले जाई जा रही है। इस इतला पर एसएचओ ने जाब्ते के नाकाबंदी की और आज शाम को उन्होंने ट्रक रोककर चेक किया तो ट्रक के अंदर एक अनिल जाट जो कि चरखी दादरी हरियाणा के रहने वाले चालक मिला। उससे पूछताछ की तो उसने अनभिज्ञता जाहिर की। उसकी उपस्थिति में गाड़ी की तलाशी ली गई तो चावल के भूसी के कट्टों में छुपाया हुआ करीबन 42,000 पौवे 900 पेटी होती है, जिसके अंदर प्रत्येक में 48 पौवे होते हैं, तकरीबन 42,200 पौवे हैं वो हमने बरामद किए हैं।